हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 8 को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 का क्वेश्चन और 7 के अथवा को प्रैक्टिस कर लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इससे फिर कैसे कैसे सवाल हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया गया है, तो नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों वर्ष 2000 और 2001 के दौरान जो है एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। और पुस्तकों की बिक्री कैसे दर्शा रहा है, तो 1000 संख्या में जो है पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। इसके अलावे और क्या दिया हुआ है, तो 2000 और 2001 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं का नाम दिया है, B1, B2, B3, B4, B5 और B6 से पुस्तकों की बिक्री नीचे दिया गया है। तो बार ग्राफ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक प्रकाशन जो है उसकी शाखा B1 में वर्ष 2000 के लिए यदि ध्यान देंगे तो पर्पल कलर में बार ग्राफ दिखाया गया है और यदि 2001 को देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में बार ग्राफ को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शाखा B2 के लिए भी दिखाया गया है, B3 के लिए भी दिखाया गया है, B4 के लिए भी दिखाया गया है, B5 के लिए, B6 के लिए। अब जैसे मैं देखना चाहूं यहां पर कि B1 शाखा में 2000 में कितने बिक्री हुई, तो B1 में 2000 में जो बिक्री हुई वो 80,000 की हुई है। क्योंकि हम लोगों के पास जो डाटा दिया हुआ है यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डाटा जो है 1000 संख्या में है। अब यदि B1 के लिए 2001 में बोलेंगे कि कितनी बिक्री हुई, तो 105,000। ठीक है, उसी प्रकार से यदि B2 की बात करें तो B2 की बिक्री 2000 में कितनी हुई, तो 75,000 और फिर 2001 में कितनी हुई, तो 65,000। ठीक उसी प्रकार से B3 की बात करें तो B3 का बिक्री 2000 में कितना हुआ, 95,000 और फिर 2001 में कितना हुआ, 110,000। इसी प्रकार से अपने पास डाटा दिया हुआ है बार ग्राफ में। आइए अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और जिस प्रकार से क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी प्रकार से हम लोग इस बार ग्राफ का अध्ययन करते हुए उसका जो है उत्तर व्याख्या कर लेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। हमारे पास जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है ए, दोनों वर्षों के लिए यानी 2000 के लिए भी और 2001 के लिए भी शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो हम लोग देख लेंगे 2000 और 2001 में B2 शाखा का कितना बिक्री है कुल, और फिर देख लेंगे B4 शाखा में दोनों वर्षों के लिए कुल कितना बिक्री है। तो आइए चलते हैं B2 और B4 शाखा को देखने के लिए बार ग्राफ पर। तो जैसे ही हम लोग बार ग्राफ पर पहुंचेंगे तो यहां पर देखेंगे कि शाखा B2 और शाखा B4 में क्या है। तो शाखा B2 की यदि बात करें, सॉरी B1 में नहीं, हम लोग को B2 में चलना है। शाखा B2 तो यहां पर कितना है, 2000 में 75 और 2001 में 65। ठीक उसी प्रकार से शाखा B4 की यदि बात करते हैं तो 2000 में 85 और 2001 में 95। तो दोनों का पूछा था क्या अनुपात, तो इतना दोनों को जोड़ करके कितना हो जाता है, 7 6 13 1 14 140 और 9 8 17 180, यानी 140/180 करके कटा करके जो भी यूनिट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसकी उत्तर व्याख्या मैंने करके रखा है, आइए सीधे चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। यहां पर मैंने पहले प्रश्न का उत्तर व्याख्या किया है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री 75 + 65 दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 140। चूंकि आंकड़े 1000 में दिए हुए हैं इसलिए हो गया 140,000। ठीक उसी प्रकार से दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री 85 + 95 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 180,000 क्यों, क्योंकि आंकड़े 1000 में दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा था कि अनुपात, इसलिए अविष्ट अनुपात बराबर 140/180 और इसको कटाएंगे तो 0 से 0 में कटेगा, 14/18, फिर से 7 × 2 = 14 और 9 × 2 = 18। इस प्रकार से आपके पास क्या उत्तर होता है, 7:9।
ये हो गया पहले प्रश्न का आपका आंसर। मैं पहली पहली बार कंप्यूटर पर पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइनिंग जो है उतना सटीक नहीं होगा, लेकिन समझिएगा कि पहली बार हो रहा है इसलिए धीरे धीरे ये मैनेज हो जाएगा। इससे पहले मैं मोबाइल से ही वीडियो क्रिएट किया करता था। ठीक है, आइए चलते हैं सीधे दूसरे प्रश्न पर। अपना जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बी है अपना दूसरा प्रश्न, कहता है दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। इस काह का विशेष महत्व है, हम अभी समझेंगे कि इस काह का क्या महत्व है, क्या कंफ्यूजन हमेशा आप लोग करते रहते हैं और यह काह आपको क्या मदद कर सकता है। तो देख लेते हैं B6 का कुल बिक्री दोनों वर्षों में और B3 का कुल बिक्री देखेंगे कहां, तो बार ग्राफ में जो शुरू में दिया गया था। तो आइए चलते हैं बार ग्राफ में। बार ग्राफ में क्या है कि यहां पर B3 और B6 देखना है हमको। ठीक है, B3 और B6, यदि B3 को देखें तो 95 2000 में और 110 2001 में बिक्री है 1000 में। उसके बाद B6 में गौर करेंगे तो क्या है, 70 है 2000 में और 80 है 2001 में। ठीक है, और दोनों मिला करके हो जाएगा आपका शाखा B6 का कुल बिक्री, ठीक ना, 1000 संख्या में। अब चलते हैं फिर से प्रश्न पर, और प्रश्न में का का क्या महत्व है इसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो का क्या महत्व है कि यहां पर पूछा कि कितना प्रतिशत है किसका, तो B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत। तो यदि का पर ध्यान देंगे ना, तो का को हम लिखते हैं कि B3, ये बी लिखा है मैंने, ठीक है, पहली बार लिख रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया। तो B3 की कुल बिक्री का, तो हम का मतलब गुना लिख दिया, का एक्स प्रतिशत, ये एक्स प्रतिशत हो गया। अब बोल रहा था क्या कि शाखा B6 की कुल बिक्री बराबर क्या कर देंगे, शाखा B6 का बिक्री। ठीक है, यदि आप एक्स बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, B6 उधर है तो रहेगा, और ये B3 बराबर के दाहिने साइड से बाएं साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा B3, और गुना में ये प्रतिशत का जो चिन्ह आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला प्रतिशत बराबर के उस पार हो जाता है, गुना में 100 हो जाता है। तो B6 का कुल बिक्री बटे B3 की कुल बिक्री गुना 100, समझ गए, इस का यही महत्व है। यहां पर जो मैंने का को दिखाया, तो जिसके साथ का लगा हुआ होगा उसको बटे में लिखते हैं। व्याख्या पर चलते हैं, वहां भी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कंफ्यूजन होता है और कैसे दूर होगा। तो यहां पर व्याख्या पर यदि बात करें तो व्याख्या क्या होगा, यहां पर दूसरे क्वेश्चन का व्याख्या है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री 70 प्लस 80 मिलाकर के कितना हुआ, 150,000। दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री 90 प्लस 95 दोनों मिलकर हो गया 205,000। अवेष्ट प्रतिशत, इसी बात की मैं चर्चा करता हूं, कंफ्यूजन हमेशा क्या होता है कि 105 को अंश में लिखें ऊपर में लिखें कि 205 को ऊपर लिखें, या 150 को नीचे लिखें कि 205 को नीचे लिखें। तो ये जो बटे में किसको दें किसको ऊपर में रखें, ये कंफ्यूजन जो है हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा, तो ऐसे दूर हो जाएगा कि जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा, ठीक ना, उसको बटे में। तो यहां क्या है, B3 के साथ का लगा हुआ है तो B3 को क्या करेंगे, बटे में देंगे। B3 को क्या करेंगे, बटे में देना है। देखिए ये है B3 का आंकड़ा, और B3 के आंकड़े को हमने क्या किया है, बटे में ले लिया है B3 के आंकड़े को। ये है आपका B3 का आंकड़ा, और इस B3 के आंकड़े को हमने कहां लिया है, बटे में। तो जिसके साथ का लगा हुआ है उसको बटे में, फिर आपका कंफ्यूजन दूर। तो क्या करेंगे, 150 बटे 205 और गुना 100, प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100, और जब आप इस टोटल को कटाएंगे तो आपके पास उत्तर प्राप्त होता है कितना, उत्तर प्राप्त होता है 73.17%। ये हो गया दूसरे का। दूसरे में मैंने विशेष रूप से आपको टाइम लेते हुए इसलिए समझाया है कि इस प्रकार की समस्या बार बार आते रहता है और हम लोग गलती कर जाते हैं, तो आज के बाद से हम लोग गलती नहीं करेंगे। और इसी टाइप से मिलता जुलता प्रश्न कौन सा आपका, सी तीसरा प्रश्न है अपना। तो तीसरे प्रश्न पर आते हैं, तीसरा प्रश्न अपना क्या कहता है कि 2001 में शाखाओं B1
B2 और B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत, देखिए फिर से क्या कहा, यानी इस तीनों शाखाओं का कितना प्रतिशत, तो इस तीनों शाखाओं का औसत करके बटे में कर देंगे, ठीक है, और फिर इस तीनों का शाखाओं का औसत निकाल करके ऊपर में रख देंगे। पूछा का कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि B1, B2, B3 का औसत कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे औसत, वैसे तो आप जानते हैं लेकिन बताना मेरा काम है, तो आइए हम देख लेते हैं। पहले B1, B2 और B3 दोनों वर्षों के लिए, तो 80 प्लस 105 जोड़ लेंगे, फिर 75 प्लस 65 जोड़ लेंगे, फिर 95 प्लस 110 जोड़ लेंगे, सबको जोड़ करके। अब ये नहीं सोचिएगा कि 6 हो गया तो 6 से भाग देंगे, नहीं, तीन ही शाखा है यहां पर। कौन कौन सी शाखा है, तीन शाखा, तो B1, B2 और B3, चूंकि तीन शाखा का कुल आंकड़ा ले रहे हैं दोनों वर्षों के लिए, तो ये हुआ दोनों वर्ष मिला करके एक, ये हुआ दोनों वर्ष मिला करके दो, और ये हुआ दोनों वर्ष मिला के तीन, तो कुल जोड़ करके तीन से भाग दे देंगे, तो इस तीनों का औसत निकल जाएगा। फिर क्या करना है कि B1, B3 और B6 का भी सब जोड़ करके तीन से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। और क्या कहा था, कहा था कि औसत बिक्री का कितना प्रतिशत, तो का किसके साथ लगा हुआ है, तो B1, B2 और B3 के साथ का लगा हुआ है, तो इस तीनों को बटे में देंगे। मैंने इसमें भी समय लिया क्योंकि आप लोगों को समझाना है, इसलिए तो यहां पर समझ लेते हैं कि क्या बात है। सी नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3 की औसत बिक्री, तो तीनों को जोड़े और तीन से भाग दे दिए। अच्छा, यहां पर सिर्फ 2001 में कहा था, और मैंने बार ग्राफ बताते समय क्या कहा, दोनों के लिए, नहीं, यहां पर सिर्फ 2001 का, और फिर अगले वर्ष 2000 में शाखाओं B1, B3 और B6 का औसत बिक्री, यानी कि तीनों को जोड़ करके और तीन से भाग दे दिए। तो ये हो गया 2001 में इन तीनों शाखाओं का औसत 280/3, और ये हो गया 2000 में इन तीनों शाखाओं का औसत बिक्री 245/3। अब क्या कहा, प्रतिशत निकालने के लिए, तो का किसके साथ लगा हुआ था, B1, B2, B3 के साथ का लगा हुआ था, तो इस तीनों का जो औसत निकला है इसको बटे में, यानी 245/3 और पुनः बटे 280/3। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, तीन से ये तीन कैंसिल हो गया, 245/280, गुना में 100 गुना में 100, और जब आप इसको कटा करके हल करते हैं, इतने को कटा करके हल करते हैं, तो आपके पास उत्तर क्या प्राप्त हो जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है 87.5%, जो एक्यूरेट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा डी पर। तो डी हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2000 के लिए, मैंने दोनों वर्षों के लिए बता देते थे, यही पिछले प्रश्न में था 2001 के लिए और यहां था 2000 के लिए। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न डी पर। कह रहा है कि वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 संख्या में कितनी है, तो सभी संख्याओं का 2000 में सिर्फ देखना है, ठीक है, तो कितना है, हम लोग क्या करेंगे कि एक बार बारग्राफ को देख लेंगे, सभी शाखाओं का यानी B1 से लेकर के B6 तक में सिर्फ 2000 का निकालना है, तो 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 जोड़ करके जितना भी हो जाएगा वो हो जाएगा कुल बिक्री 1000 संख्या में, ठीक है, तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा, यही कहा कि 2000 के लिए सभी शाखाओं का औसत बिक्री, तो कुल बिक्री में यदि 6 से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत बिक्री। तो देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि कुल बिक्री है तो सबको जोड़ दिए, 80, 75, 90, यहां पर मैं टिक आउट करते चलता हूं, 80, 75, 90, 85, 75, 70, और चूंकि औसत कहा, औसत बिक्री कहा है, तो टोटल 6 शाखा है तो हमने 6 से भाग दिया, सबको जोड़ने के बाद कितना आया, 480 भागा 6, और इसको यदि 8 × 6 = 48 कटाएंगे तो ये 80,000 क्या हो जाएगा आपका, 80,000 उत्तर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि वर्ष 2000 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितना होगा, तो औसत बिक्री कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। आइए चलते हैं अगला इस प्रश्न पर, तो अंतिम और छठे प्रश्न पर, पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1, B3 और B5
कि कुल बिक्री कितनी है। इस बार कहा है दोनों वर्षों के लिए, ठीक है। तो B1, B3 और B5, तो देख लेते हैं B1, B3 और B5, B1, B3 और B5 दोनों वर्षों के लिए कहा है। तो B1, B3 और B5 दोनों वर्ष मतलब 105 प्लस 80, दोनों वर्ष मतलब 95 प्लस 110, दोनों वर्ष मतलब 75 प्लस 95। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और प्रश्न क्या पूछा था आपसे, प्रश्न जो पूछेगा उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो तीनों को कुल बिक्री पूछा, तो सिर्फ सबको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए, यहां पर मैंने जोड़ कर रखा है, तो सबको सिर्फ जोड़ना ही तो है और कुछ नहीं करना है। जैसे B1 के लिए, तो B1 के लिए दोनों वर्षों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 105 कितना हुआ, 85 हो गया। फिर B2 के लिए जोड़ेंगे, फिर B2 के लिए यदि जोड़ेंगे तो ये हो गया, B2 नहीं, B3 के लिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा B3 के लिए कितना, 95 प्लस 110, और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 170। उसी प्रकार से फिर B5 के लिए जोड़ेंगे, B5 के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 95, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170। अच्छा, जो B2 के लिए जोड़े थे ये हो जाएगा 205 ये वाला। और अब इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे, अब इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 560,000 रुपये। ये 560,000 रुपये जो है, यही आपका क्या हुआ कि उत्तर हो गया, ठीक है। सबको सिर्फ जोड़ देना था। तो प्रश्न यहां पर ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन अब जो प्रश्न 69वें में पूछेगा ये कहना मुश्किल है कि कितना भारी या कितना हल्का होगा। और प्रश्न भारी कभी नहीं रहता मेरे ख्याल से। मुसीबत क्या होता है कि समय सीमा के अंदर बनाना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और समय सीमा के अंदर आप तभी बना पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना आपका प्रैक्टिस होगा, जितना आप नए नए प्रश्न पर इमिडिएटली दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, और लगने लगेगा, एग्जाम में भी बनने लगेगा। और बना हुआ प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना बहुत इजी है, बन जाता है, जो छोड़ो इसको क्या प्रैक्टिस करना। तो यहीं पर हम लोग क्या होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं, जानते हैं फिर भी उसको रेगुलर नहीं तो अल्टरनेट में ही सही, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना कम समय में आप बना पाएंगे, और आप प्रश्न को सॉल्व करने में जितना कम समय लेते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।